आपको पता है आज उसने मुझसे पूरे 2 लाख मांगे। 2 लाख और आइंदा जब भी पैसों की जरूरत हो कुत्सिया से बात मत करना, औरतें जो है ना छोटे दिल की होती। शादी करेगी भोले की? कौन ब्याहेगा उससे अपनी बेटी? क्या हो गया तुझे? अगर मेरी किस्मत में यहाँ से बाहर निकलना हुआ तो मैं आके मिल लूंगा तुमसे, तुम मत आना मिलने। जी बाजी आपने बुलाया था? हाँ मेरे साथ जरा पैकिंग करवा दो, 1 घंटे में मुझे निकलना। अरे पाँव इधर दे। अरे सीधा, अरे छोड़, अरे गुदगुदी नहीं है, हट जा। ये दुआ का धागा पढ़वा के लाई हूँ, इससे तेरे पाँव के चक्कर सही हो जाएंगे। चक्कर नहीं है जी। हाँ जी चक्कर चक्कर नहीं है पैर बोले के, मेरे पाँव तो ये देखो लंबूतरे हैं काले कव्वे जैसे, ये देखो। चुप कर, हट, सीधा हो। ये देख तावीज लेकर आऊं, तावीज की बहन। उठ ना, आए अल्लाह, आए मुझे भी गिराएगा, उठ जा, आ जा ना, आगे हो। ये तावीज पहन लो जी, फिर वही काला मोटा तावीज। अम्मा मुझे पहनाना है ना, तो मुझे ना वो सोने का तावीज पहना, मोटी चेन के साथ। बाहर जाऊंगा तो यारों दोस्तों के सामने बोला जा रहा कहूंगा ये अम्मा ने मेरी ने मोटे ही सोने की चेन बनाई है जी। वैसे तो बावला है, सोने की चेन का तुझे खूब पता है, हैं पहना दो तुझे सोने की चेन, ताकि जाके वो मनुस हिजड़े को पहना आया तो सर्कस में, सब जानती हूँ मैं। पागल कहीं का पागल है मेरी मुमताज बेगम, अब घूम नहीं गई है वो मेरी तरह, मिलती नहीं है बेचारी प्यारी मेरी मुमताज बेगम, कहाँ चली गई? क्या कैसे चली गई मेरे से पूछे बगैर? आपसे? वो तो पहले भी मुझसे पूछकर जाया करती। वो तब जब उसकी छुट्टी होती है, और इस हिसाब से उसकी छुट्टी कल थी जुमे के दिन। हाजी साहब वो आज फैक्ट्री में दिन लगा आई थी, तो मैंने सोचा सुबह जाने के बजाय वो अभी चली जाए, इसमें हर्जी क्या है? लेकिन इसमें आपकी परेशान होने वाली बात क्या है? परेशान तो नहीं हूं, आप ही ने बताया था कि उसकी हरकतें कैसी हैं, और मैंने कहा था कि जवान लड़की है मोहतात रहना चाहिए, आपकी वजह से परेशान था, वरना मेरी परेशानी का क्या? हाजी साहब सच पूछे ना, तो अब जो उसके रंग ढंग बदल रहे हैं ना, मुझे इसी वजह से शक, और इसी शक की वजह से मैंने उसे घर से चलता किया। देखिए ना, घर पर मैं तो नहीं हूंगी, और आप तो हैं सादा से बंदे, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने में मसरूफ रहते। मेरी गैर मौजूदगी में अगर वो कोई उल्टी सीधी बात कर दे यहां, तो फिर, और आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि वो घर पहुंची है या नहीं पहुंची, इसका पता मैं अम्मा जन्नते से करवा लूंगी। हाँ अगर वो झूठ बोलकर निकली हुई किसी बहाने से गई ना, तो वापस मेरे घर में नहीं आएगी। ओ हाजी साहब मुझे देर हो रही है, ड्राइवर बेचारा कब से इंतजार कर रहा है, तो मैं निकलूं? हाँ जाए, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। लाहौल वाला कुवत। साहिर तुम जैसा ढीठ मैंने आज तक नहीं देखा, क्या चाहती हो तुम? साहिर रकम का इंतजाम हो गया, इधर आओ।
सुनो, तुम अपने उस दुकान के मालिक को बुलवाओ, उसके मुंह पे ये पैसे मारो और इन पुलिस वालों को उनका हिस्सा दो और निकलो यहां से। तेरी रकम का इंतजाम कहां से किया तुमने? कर्जा लिया है। इतना बड़ा कर्जा किसने दिया? साहिर, ये वक्त नहीं है सवाल पूछने का, ठीक है? तुमसे बस ये कहा है कि ये पैसे लो, इनके मुंह पे मारो और निकलो यहां से। किस्सा खत्म करो ये जल्दी से। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी ये पैसे कहां से है, मैं नहीं लूंगा, यहीं सड़ता रहूंगा जेल में। साहिर, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैंने कर्जा लिया है। हाँ, तुम्हें याद है मैंने एक दफा तुमसे जिक्र किया था, फैसलाबाद में एक बाजी है, उनको मेरा काम बहुत पसंद है, उन्होंने मुझे नौकरी का भी बोला था। हाँ, वो मैंने उनसे बात की, मैंने उनको कहा कि आप बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, मुझे एक साल की जो तनख्वाह है ना वो एक साथ देते, तुमने मुझे दे दी, मिल गया ना कर्जा। साल भर मुफ्त गुलामी करोगे उनकी? तो तुम क्या मुझे एक साल यहाँ पर बिठा के रखोगे अपना इंतजार करवाने के लिए? खुदा का वास्ता है साहिर, ये पैसे लो और निकलो यहाँ से जल्दी, फिर मुझे भी बुलवाना ना अपने पास। तू आज अचानक कैसे आ गई? क्यों, कोई पाबंदी है? तेरी तबीयत तो खराब नहीं है? किस्मत खराब है। नौकरी से तो नहीं निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया। ये तो किस तरह बात कर रही है, हैं? इतना गर्म मिजाज? मैं तो पहले ही कहती थी ये रूह नौकरी करने वाली नहीं है, कराई होगी कोई फड्डा। अम्मा बस कर यार, नहीं मुफ्त की रोटी तोड़ने आई यहाँ पे, कर लूंगी कुछ वक्त में अपना बंदोबस्त। ले, और किसने कह दिया तेरी दो रोटियां पा रही है? तू तो मेरी शहजादी बेटी है, मैं तो तुझे अब वापस भी ना जाने दूं। मेरी बेटी क्यों टके टके की नौकरियां करती फिरे? ना तू क्या बुरी बुरी शक्लें बना के हमारी तरफ देख रही है? अपनी शक्ल जैसी जो रोटी डाली थी ना तूने तवे पे, जल रही है। और मेरी बेटी के लिए परौंठे तल, देख तो सही मजूरियां कर करके क्या शक्ल निकल आई है। तल तल और मेरा बच्चा, चल फिर मुझे ही दे दे। रानी, रानी, रानी। जी साहब जी। कहाँ है वो तेरी सहेली? कौन जी? वही जो फैक्ट्री में काम करती है। वो नूरी? हाँ नूरी, कहाँ है वो? वो तो चली गई, पिंड चली गई, अपने बाजी से इजाजत लेके गई थी। तेरी बाजी का ही फोन आया है, उनके जेवर में बहुत सारी चीजें गायब हैं। और उसी नूरी ने ही पैकिंग की थी ना उनकी। मैं मर गई। सही सही बता, तुझे पता था ना सारे स्कीम का? पता था ना तुझे? कसम उठवा ले जी, मुझसे कुरान उठवा ले, मुझे कुछ नहीं पता। उसने तो मुझे हवा तक नहीं लगने दी, मैं तो उसे बड़ा बीबा समझती थी, मुझे क्या पता था कि वो अंदर से इतनी। अल्लाह माफ़ कर,
मैं नहीं जानती। देख आखिरी दफा तुझसे पूछ रहा हूँ, अगर तुझे कुछ पता है तो मुझे बता दे। साहब जी मुझे मेरी माँ की कसम है, मुझे अल्लाह की कसम है, कुछ नहीं जानती। ठीक है, फिर पुलिस आएगी और जो जो इसमें मुलव्वस है उसको पकड़ के ले जाएगी। मेरा मुंह क्या देख रही है, जा। सब खैरियत से हो गया ना? हाँ बस अभी घर पहुंचा मैं। वफूर साहब भी थाने कचहरी के चक्करों से घबरा रहे थे तो पैसे लेकर केस वापस कर दिए। नाम मत लो उसका मेरे सामने, इतनी इज्जत से तुम पहुंच गए फैसलाबाद? नहीं अभी नहीं पहुंची, दो तीन दिन तक पहुंचूंगी, अभी घर आई हूँ। मैं अभी बस फौरन निकलूंगा, टिकट का इंतजार है, जैसे ही मिलेगा चला जाऊंगा। जाहिर तुमने मुझसे एक बात कही थी, तुम्हें याद है? क्या तुमने मुझे कहा था कि अगर जाने से पहले तुम निकाह कर लोगे तो वहां जाकर मुझे बुलाने में आसानी होगी, और अगर नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, याद है ना? हाँ नूर याद है, लेकिन तब हालात कुछ और थे, अब तो जल्द से जल्द मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। कल रात की टिकट हुई तो सुबह तक यहाँ हूँ, और अगर सुबह की हुई तो आज रात तक। नहीं नहीं नहीं, खुदा का वास्ता है साहिर, मुझे इस तरह बीच में लटका कर नहीं जाओ। तुम कहोगे तो मैं कल आ जाऊंगी। कल? हाँ सब बहुत मुश्किल हो जाएगा इतनी जल्दी। हाँ लेकिन तुम ठीक कह रही हो, बाद में तुम्हें बुलवाने में मसला हो जाएगा। ठीक है मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। हाँ ठीक है। साहिर तुम नहीं जानते तो मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर रहे हो इस वक्त। एहसान तो तुमने मुझ पर किया नूर, अगर तुम ना होती तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी छुप के तुम्हें कॉल किया। खुदा हाफिज़, ख्याल रखना अपना। ठीक। अगर एक आध अंगूठी खसकाई होती, मेरे पर्स में से 1-2 हज़ार के नोट उड़ा लिए होते तो मैं 2 थप्पड़ मारकर उसे छोड़ देती कि ये चोरियां तो सब नौकरानियां करती, नीच जात का भला क्या भरोसा। लेकिन ये लड़की तो पेशावर लगती है, पेशावर। कुत्सिया बेगम, पता नहीं किसकी जमानत पर आपने इस लड़की को रख लिया था। अम्मा जनते को तो आप अच्छी तरह जानते, वो ऐसी वैसी नहीं है। वो भी धोखा खा गई। अच्छा बस करें, जब से आई है अपने आप को हलकान कर रही है, बस। हाजी साहब, हाजी साहब मुझे कैसे सुकून मिले। मेरे भाई के घर खुशी थी, तैयार होने के लिए मैंने जेवर का डब्बा खोला तो तभी मेरा माथा ठनका। चालाक भी इतनी कि ना पूरा डब्बा ना पूरा जेवर गायब किया, थोड़ा थोड़ा सब भी हाथ साफ किए, किसी की अंगूठी किसी के बूंदे, और ऊपर से छुट्टी लेकर घर जाने का प्रोग्राम। बस दुआ करो कि जो एड्रेस उसने दिया है वो ठीक हो, चकमा ना दे दे वो। नहीं अम्मा जन्नतें झूठ नहीं बोलती, उन्होंने सही एड्रेस दिया होगा। चलो अब पुलिस को अपना काम कर लेने दो। हाँ हाँ, जब पुलिस की मार पड़ेगी ना तो अपनी अगली पिछली सारी वारदातें वो उगलेगी।
अल्लाह ही से पूछे। अपने आप को क्यों हलकान कर रही हो? मैंने आपको कहा ना, मैं आपको और जेवर ले दूंगा, लेकिन अब रोना नहीं, बस। कुत्सिया बेगम, नजीरे कौन है भाई? ओ नूरी उठ, सूरज सर पे आ गया है, सारी रात आंखों में गुजार देती है, चल उठ। हाँ। नूरी यहीं रहती है? हाँ जी, पर आप? आप कौन? मैं नूरी का अब्बा हूँ जी। अपनी लड़की को बाहर बुलाओ। पर हुआ क्या है, मसला क्या है बताएं? वो आप अंदर किधर घुस के चले जा रहे हो? आराम से क्या बैठो, कौन हो तुम लोग? आराम से। क्यों शोर मचाया भाई? अपनी लड़की को बाहर निकालो फिर बताते हैं। क्यों निकालूं अपनी लड़की को बाहर? क्या किया उसने? अरे डकैती किया उसने, उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज है। जहाँ जाकर उसने जेवर बेचा है ना, वहां से भी पता लगा लिया है। उस बंदे ने उसकी तस्वीर देखकर पहचान लिया है कि इसी लड़की ने उसके पास 2,16,000 में जेवर बेचा है। 2,16,000? हाँ। अम्मा जंदे, अम्मा जंदे, नूरी को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? हाँ। नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। नहीं नहीं नहीं, क्यों ले गई? चल मेरे साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूं भाई? कुछ तो कर सके, वो मेरी लड़की को ले गई है पुलिस। कुछ किया होगा भाई तेरी तीरवाणी ने, और क्या? बालकों ने झूठा इल्जाम लगाया जो कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वही बात ये है कि अभी तो मैंने जाना है मंडी, फिर उधर से कचहरी, कल दोपहर तक आते फिर कुछ कर ले। ना ना शोके, और कल तक तो बड़ी देर हो जाएगी। अभी चल थाने, घंटे डेढ़ का तो फासला है। काम सारे छोड़ दूं अपने, तेरे बच्चों को छुड़ाने के लिए खजल को आ रहे हो जाऊं? हाथ धो गए तेरे अली। शोके, वो तेरी इज्जत कभी समझ रहा है? और नूरी मांग गया तेरी? वाह, सदके जाऊं भाई। आज मांगोगे? हैं, एक महीना हो गया रिश्ता डाले में मुझे, उसके बाद रोज आजकल 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 कम पड़ा है तो अब मांगोगे? आजकल आजकल तो मैं तारीख देने के लिए कर रहा था। हाँ तो मैं पहले की कर चुका हूँ, और जुबान दी क्या तुझे? फिर दे दे जी। जुबान कि जब मैं नूरी को छुड़ा के लाऊं तो अगले दिन ही होगा उसका मेरा निकाह मसनूना। उसी कड़ी अगली कड़ी नहीं आने दूंगा शोके, उसी वक्त साथ भेजूंगा तेरे। फिर कहीं उसी वक्त साथ भेजूंगा तेरे, तू एक दफा छुड़ा दे इसे। चलो कुछ कर लेते हैं, फोन मिला, दो तीन फोन खड़का तो यार फोन दे। है फोन है, कर लेते हैं कुछ कर लेते हैं। जबान पे पक्का रही बस तू है? पक्का जी। हाँ जी चौधरी साहब, सलाम अलैकुम। हाँ जी, वो बस काम था छोटा सा। नहीं नहीं नहीं, खादम है बोल, कौन गाना तेरे साथ और कहाँ है पैसा? कुछ बताया इसने? ओ सर जी, ये कुछ नहीं बोलती। अच्छा, समझ आ गई मुझे, ये बहुत बड़ा गिरोह है। इसका यार दुकानों में डाके डालता है और ये घरों में नौकरानी बन के। नहीं नहीं, उसका वो किधर होता है तेरा यार? नहीं नहीं नहीं, इंस्पेक्टर साहब, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे, कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका, कोई वास्ता नहीं है इस सब से। अच्छा, तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है? पहले तो तेरे चाचे ताए का बेटा था, बड़ा भाग भाग के आती तू यहाँ पे है। खैर कोई बात नहीं, पता भी लगा लेंगे। अभी एक घंटे में तुम्हारे सामने ला के खड़ा करूंगा उसको। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ, रसूल का वास्ता देती हूँ, उसको कुछ पता नहीं है सबके बारे में, उसका कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है।
तो फिर बता ना वो रकम किधर है जो जेवर बेच के ली और कहाँ रखवाई है? उसके पास है ना? नहीं नहीं, मैंने मैंने अभी आपको कहा मैं आपके पैर पड़ती हूँ इंस्पेक्टर साहब, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा तो उससे कोई रابطہ ही नहीं हुआ है। मैं सच कह रही हूँ, आप उससे कोई भी किसी भी किस्म की कसम उठवा ले, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरा कोई रابطہ नहीं है उससे। अब तेरी कोई खानदानी दुश्मनी चल रही है ना उन लोगों से जो वो तुझ पे इल्जाम लगाएंगे? दो कौड़ी की औकात नहीं चंगड़ लोग। वो ना मेरी बीबी जैसे ना लड़ाई हो गई थी, तूने मुझ पे झूठा इल्जाम लगा दिया चोरी का। अच्छा, ज्वेलर से भी तुम्हारी लड़ाई हुई थी? जो झूठी गवाही देगा तुम्हें फंसा रहा है? बस बंद कर। किसी को क्या पड़ी एक मामूली नौकरानी के काम छोड़ के चले जाने पर कोई इतना लंबा चौड़ा ड्रामा करे? अंदर की बात बता, अंदर की। तू इसकी खातर तो वहां से कर। ये नीच जात के लोग जो होते हैं ना, इनकी चमड़ी जरा मोटी होती है। मैं उस लड़के का पता करता हूँ। मुझे भी चोरी के अलावा कोई और ही मामला लग रहा है। मैं सारा हफ्ता घर से दूर रहती थी। जवान लड़की, एक बात कहूँ तुमसे, अगर बुरा ना लगे तो, तुम्हारी बेटी की हरकत ना थोड़ी मशकूक थी, सुर्खी पाउडर फैशनिंग कपड़े। खामोश रहो तुम लोग, उस परेशान औरत को दिलासा नहीं दे सकते तो बेबुनियाद इल्जाम तो मत लगाओ। बुहतान बांधने का कितना सख्त गुनाह है मालूम है तुम लोगों को? अम्मा जी, हमने थोड़ी इल्जाम लगाना है, भी इल्जाम तो पुलिस ने लगाया है, ऐवी नहीं कोई किसी को पकड़ कर ले जाता। अम्मा जन्नत, मेरे बच्चे मासूम है, अरे उसकी छोटी छोटी सी मासूम मासूम सी खुशियां है, वो भी तुम लोगों को बुरी लगती है, है? मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं तो मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मेरे बच्चे ने। भैया, बोले भैया, देखे तो सही मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूं। मीठे चावल है और आपको पता है किचन से दूध की सारी मलाई डाल के ले आई हूं, आपको पसंद है ना? मुझे पता है। नहीं खाएंगे? नहीं। भोले भैया, कल से आप ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। भैया, आप ऐसे गुमसुम अच्छे नहीं लगते ना मुझे, आप तो मेरे से बहुत सारी बातें किया करते हैं ना, ताई जी भी कितनी परेशान है आपको लेके। भैया, आप क्यों ऐसे सता रहे हैं सबको? वो सता रही है मुझे, हाँ मुझे लगती है अच्छी मलाई बादाम और चावल मैंने नहीं खाने। कोमल, मेरी बहन, मुझे ना बाहर जाना है। हाँ तो ठीक है ना,
कल मैं आपको खुद सुबह बाहर लेकर जाऊंगी, खुद लेकर जाऊंगी, पक्का वादा। तू लेकर जाएगी मुझे? कहाँ लेके जाएगी? सिनेमा, सर्कस, या वो नहर वाला बाग, या मेले पे लेके जाएगी? कोमल, मैंने नहीं खाना ये चावल नहीं खाने। कोमल, मुझे ना वो शाहजमाल का दरबार है ना, शाहजमाल का, वहाँ पे जो कतलम्मे मिलते हैं ना, वो ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और वो स्टेशन है ना, स्टेशन, वो रेलगाड़ी वाला शिक 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 वाला, वे वहाँ का इमली आलू बुखारे का शरबत, और तरबूज 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 नहर पे लेके जाके बोले ने नहर में तरबूज ये फेंकना, बोले का तरबूज ओ जा रहा है, ओ जा रहा है, ओ जा रहा है, ओ जा रहा है, ठंडा हो गया। कोमल, तो लेके जाएगी ना मुझे? भैया, वहां पे तो नहीं लेकर जा सकती, लेकिन दबा जा तू यहां से। भैया, वहां पर नहीं लेकर जा सकते? आई बड़ी बातें करवा लो, जितनी मर्जी काम किसी की आती नहीं है। तुम लोग मत जाने दो मुझे, मैंने ना छत से छलांग मार देनी है, अपने हाथ बाजू पैर सब तोड़ दूंगा, फिर आएंगे मजे तुम लोगों को। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या हो गया भाई, कितनी बुरी बात है, खबरदार जो आपने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की। मुझे बाहर जाना है। कैसी बातें कर रहे हैं भैया? मुझे बाहर जाना है भैया, थोड़े से तो खा लो ना। मुझे बाहर जाना है। जाएंगे ना बाहर, मुझे बाहर जाना है। अभी चुप कर जाओ ना भैया, मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। मैं तो कहता हूँ सरकार गाली मकाई छोड़ दे। वो किस हिसाब से छोड़ दूं? तू है कौन? ए, ये किसे सिफारशी बनाकर लाया तू? जो आई है जी, मेरा दामाद है। अच्छा, तो मुलजमा शादीशुदा है, लेकिन वो तो बता रही थी कि इंशाल्लाह जो आई है। मांगे है जी मेरी। वाह, लाइया किसी होर नाल ते वधाइया किसी होर नाल? की मतलब जी? मंगेतर सामने आकर बैठा है और हम यार को ढूंढ रहे हैं, वो थाने में दोनों की मुलाकात ही ना हो जाए कहीं। की बकवास है भाई, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ओ भाई, ये सामने खड़ी है ना तेरी मांग, अपने यार के साथ मिलकर डकैतियां करती है। सिर्फ 2 घंटे की बात है, उसका किला तो हम नापी लेंगे, वो जाएगा कहां? आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? उसका कोई लेना देना नहीं। उसका किसका? देखें ना, वो मुझे जानता है ना, मैं उसे जानती हूँ, उसका कोई वास्ता नहीं है सबसे। ये सब लोग मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। चल चल बता इनको, क्यों फंसा रहा है तुझे? चल शाबाश बोल ना, वो डरना नहीं, चल बोल, जल्दी बोल शाबाश। हाजी साहब, हाजी साहब ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था, मेरा मुंह बंद करवाने के लिए उत्साह लगा रहे। हेलो, बकवास कर रही हूं, आप उसका ध्यान रखें, आता हूं मैं थोड़ी देर में। आ रहा हूं। क्या हुआ? क्या? ओह, फैक्ट्री से फोन था। चाय? जी।
ये शोके 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 मेरी बात तो सुन शोके सुनोगे मैं और क्या सुनना रह गया भाई अर्थ हो गया सब कुछ शोके तूने वादा किया बकवास की थी देशों के रातों की और जवान लड़की थाने में रात गुजारेगी तो दागी हो जाएगी भाई तेरी कुड़ी पहले ही दागी और मैं बागी वो इतना घोटा सिक्का चलाने के लिए तूने मुझे दिया वो भी इतने महंगे सौदे के बदले हैं लाख रुपए का मोटरसाइकिल कोटरी वो स्कूल के बाद के बदले पुराने पांडे ना दे तुझे कोई हर दिमाग है बदतमीज है पर ऐसी नहीं है नूरी झूठ बोल रही है पुलिस वाले जो खुद बोल रहा है उसने बोली उसके इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं हाँ जी साहब इज्जत ओ माफ कर पाई मैं बात करता ऐसा महंगा सौदा अस्सलाम वालेकुम सारी रात गरीब की कुड़ी ने थाने में गुजार दी हम तो पहले ही मरे मुक्के लोग हैं अब कोई तुकेगा भी नहीं उसमें शोके अगर तुझे छुड़ा देता कोई एहसान कर देता तो यार बस वो गैरत आ गई थी खैर अब देख मैं कोई इतना कोई सख्त भी नहीं हूं अखरोट देखा तूने अखरोट अखरोट हूं मैं बाहर से सख्त अंदर से नरम इतना सब कुछ जानने के बाद भी सब कुछ पता लग जाने के बाद भी मैं उससे उससे शादी करने पर राजी हूँ और उसे अपने घर पे भी रखने पर राजी हूँ सच शोकी बोला तुझे खुश रखे बहुत नवाजे शोकी ना ना मगर इस तरह नहीं देवे नजीरे बात ये है कुड़ी के बदले ना अब मुझसे को माल पानी की तवक्को नहीं रखनी दागी कुड़ी है दागी मेरा मतलब है समझ रहा है ना तू अब देखना पुलिस का तुझे पता है अब चोरी डकैती में सिर्फ किसी को छुड़ाना को आसान काम तो नहीं है ये आसान काफी है यार पुलिस का तुझे पता है पुलिस वो अंदर किसी को कर दे वो तो फिर सारे टब्बर को ही अंदर कर देती है और मेरा तजर्बा तो पूछ ना देख अभी वो अंदर है फिर आले दुआले की वारदातें और मुझसे पूछना तो पता नहीं मुझे लगता है कि इन्होंने तुझे और तेरे लड़कों को भी अंदर कर देना ना शोके ना बचाने हमें बर्बादी से नहीं 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 मैं करता हूँ कुछ वो ऊंची सिफारिश लड़ाई है मैंने एक पता है तुझे देख के रहम आ जाता है मुझे और नूरी को भी देख के लेकिन मैं बस उसे इज्जत देने का एहसान कर सकता हूँ बाकी तो भूल जा बाबा इतना भी तो कोई अखरोट नहीं हूँ ना कागजी है नहीं नहीं अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि तेला मेरा को खर्च नहीं होना वो भाई पुलिस का भी तो कोई माल पानी लगेगा ना लगेगा कि नहीं बता लगेगा ना तो भैया बहादी हो गई मुझे मतलब उदागी कुड़ी के लिए मैं डबल माल खर्च करूं पहले पुलिस को भी माल कराऊं तेरी भी मुट्ठी गर्म करूं हैं तो यार आजी बड़ी तेरे में ऊपर बैठा इधर इधर और वो लस्सी लाओ भाई नजीर साहब के लिए आ जा बैठ बैठ लस्सी पानी पिलाओ हैं तो कर लेंगे कोई हो जाएगा बस तू वाजिबुल एहतराम है मेरे लिए है मेरा ले आ लस्सी हुण बकवास की वजह
क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। झूठ बोलती है तू, एक चोरी और ऊपर से सीना चोरी। देख हाजी, ये बकवास का ना मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने शोर मचा देना है और सबको असल कहानी बता देनी है कि तूने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मेरा मुंह बंद करवाना चाहा, और मैंने जब खामोश रहने से इनकार कर दिया तो तूने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा के मुझे दबाने के लिए यहाँ पे बंद करवा दिया। सबूत के बगैर झूठ बोलेगी तो मान जाएगी पुलिस, है? मजाक है क्या? ना माने लेकिन तेरी बीवी तो मान लेगी ना। और किसी भी औरत को बेएतबारी के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, और ये बात साबित हो या ना हो किसी को क्या पता, लेकिन इस सब से तेरी जो थूथू होगी ना उससे मेरे कलेजे को ठंड पै जाएगी। तेरी सारी उम्र की ये जो नेक नामी और इबादत है ना सब पे पानी फिर जाएगा, सब पे। मेरे लिए बस यही काफी है। तो चाहती क्या है बेटा? निकाल मुझे यहां से, वरना ये बात अभी जो तेरे सामने की है, अदालत में खड़े होकर अखबार वालों के सामने, टीवी वालों के सामने खूब मिर्च मसाले लगा के ना मैंने बक दे दी, ठीक है? फिर तू अपनी बेगुनाही का सबूत देता रही सबको। जा तो बस कर, निकल 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 जा। Bas